नवरात्रि में कलश और घट स्थापना के साथ ही एक घट में जवारे अर्थात गेहूं बोए जाते हैं। माता दुर्गा को यह बहुत पसंद है। तो आइए 10 बिंदु में जानते हैं, इसका रहस्य समझते हैं कि नवरात्र में क्यों बोए जाते हैं जौ। तो सबसे पहले आपको बता दें, नवरात्र में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब जवारे उग जाते हैं तो उसके बाद उनका नदी में विसर्जन किया जाता है। दूसरे बिंदु की बात करें तो जवारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी, इसे पूरे फसल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ या ज्वार थी, इसे पूरे फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने का भी महत्व है। जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का बहुत महत्व होता है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी, इससे भविष्य पर असर पड़ता है। बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का वास होगा। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है, इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। आखिरी में आपको बता दें कि मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि अपने जौ उचित तरीके से जौ नहीं बोया गया तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। तो ये रहें कि जानकारी के हिसाब से कि नवरात्रि में आखिरकार क्यों बोए जाते हैं जौ, उसकी क्या मान्यता है। धरती पर पहले फसल के रूप में माने जाने वाला यह जौ है जो कि माता रानी को भी अति प्रिय है, इस वजह से नवरात्रि में जौ बोए जाते हैं।